वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं वॉक अ लिटिल स्लोअर के क्वेश्चन आंसर ऑफ स्टैंजा 1 एंड 2। लेकिन अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट करिए बेल आइकन को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वॉक अ लिटिल स्लोअर के ये दो स्टैंजा है जिसके हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्टिविटी 1, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। उसका पहला क्वेश्चन है सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज, पुट द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द प्रॉपर ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे दो ब्लैंक्स है और दो ऑप्शन है फादर और चाइल्ड के फॉर्म में। द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर, तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा चाइल्ड और सेकेंड ब्लैंक में आएगा फादर। सेकेंड क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन दिए गए चाइल्ड और फादर के रूप में। द फादर इज लीडिंग एंड द चाइल्ड इज फॉलोइंग, फर्स्ट में आएगा फादर और सेकेंड ब्लैंक में आएगा चाइल्ड। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, वॉट वुड हैपन इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट, वाई। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो फास्ट के बाद भी आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि क्या होगा जब वो बच्चा तेजी से भागने की कोशिश करेगा और क्यों। तो आंसर है इफ़ द चाइल्ड ट्राई टू वॉक फास्ट ही शी विल नॉट बी एबल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द एक्शंस एंड थॉट्स ऑफ हिज हर फादर एंड विल फॉल, दैट इज शी और ही विल नॉट बी एबल टू अचीव सक्सेस। इसका अर्थ है कि अगर बच्चा जो है वो तेज़ी से भागने की कोशिश करेगा तो उसे अपने पिताजी के विचार और कार्य समझ में नहीं आएंगे, जिससे वो गिर जाएगा, अर्थात उसे भविष्य में सफलता मिलने में कठिनाई होगी, सफलता नहीं मिलेगी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिविटी 2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चंस, मतलब ब्रीफ क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डज द वर्ड वॉक रेफर ओनली टू द एक्ट ऑफ वॉकिंग, वॉट डज द पोएट एक्चुअली मीन टू से। क्वेश्चन कहता है कि जो वर्ड वॉक है वो केवल चलने को दर्शाता है या फिर जो पोएट है वो और भी कुछ कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। तो आंसर है नो, द वर्ड वॉक डज नॉट रेफर हेयर ओनली टू द एक्ट ऑफ वॉकिंग, द पोएट एक्चुअली वॉन्ट्स टू से दैट द फादर शुड कम्युनिकेट हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टू द चाइल्ड एंड हेल्प हिम टू लर्न द वे ऑफ लाइफ बाई शोइंग हिम हाउ टू बिहेव एंड एक्ट फॉर लिविंग अ गुड लाइफ। पोएट कहते हैं कि ये जो वॉक शब्द है ये केवल चलने को दर्शाता नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि जो पिता है वो अपने बच्चे से कम्युनिकेट, मतलब उसे बताए कि एक अच्छा और सफल जीवन जीने के लिए किस प्रकार के बिहेवियर, किस प्रकार के विचार की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, What do the footsteps of the father refer to? पिताजी के दो कदम हैं वो किस पर इशारा करते हैं, क्या बताते हैं। आंसर है द footsteps of the father refer here to the father's mannerism and individual gesture, way of speaking and behavior, his action and all other character that makes a person successful in life. तो पिताजी की जो footsteps है, जो नक्शे कदम है, वो पिताजी के मैनर, मतलब उनके विचार, उनके जेस्चर, बोलने का ढंग, उनका बिहेवियर और वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो एक व्यक्ति को सक्सेसफुल, मतलब सफल बनने के लिए अपने ज़िंदगी में ज़रूरी होती है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग लाइन्स। पोएम की कुछ लाइन दी गई है, उसका मतलब आपको बताना है। तो पहला लाइन है, समटाइम्स यू आर स्टेप्स फास्ट। तो कभी कभी क्या होते हैं, पिताजी की जो स्टेप्स थे बहुत ही तेज़ होते हैं। तो इसका मतलब क्या क्या बताया गया है, आंसर देखते हैं। समटाइम्स द फादर्स एक्शंस आर टू क्विक फॉर द चाइल्ड टू फॉलो देम प्रॉपरली। तो यहाँ पर जो पिताजी के जो कदम होते हैं कई बार बहुत ही क्विक होते हैं, बहुत ही तेज़ होते हैं, जिससे जो बच्चा है उसे फॉलो करने में, उनके विचारों को फॉलो करने में कठिनाइयाँ होती है। सेकेंड लाइन देखते हैं हम लोग, सेकेंड लाइन है, समटाइम्स योर स्टेप्स आर हार्ड टू सी। कई बार आपके जो स्टेप्स होते हैं देखने ही मुश्किल होती है। इसका अर्थ क्या है, समटाइम्स द एक्शंस ऑफ द फादर आर सो डिफिकल्ट दैट द चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। कई बार जो पिताजी के जो कदम होते हैं वो दिखते नहीं हैं, बहुत ही कठिन होते हैं देखने को, समझने को और उसके हिसाब से कार्य करने को। तीसरा एक्टिविटी है वोकेबलरी के बेस पे, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा। बहुत ईजी है, स्टैंजा के अंतिम दो शब्दों को ढूंढना है, तो स्मॉल फॉल और सीमी।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है। तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय। इस चैनल पर आपको मिलेंगी 8, 9, 10 से रिलेटेड वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।